we'll be talking about the making of the Indian Constitution. Since India is a diverse country, and it was very difficult for the makers of Indian Constitution to make a single constitution for this entire and diverse country. Secondly, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क सबसे पहला तो यही था कि इतनी डाइवर्स कंट्री के लिए आपको क्या बनाना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. सेकेंडली, ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क था कि अभी तक कंट्रीज़ लोग जो थे वो सब्जेक्ट और किंग के नाम से जाने जाते थे, अब उनको क्या जाना जाएगा, सिटीजन्स के नाम से, विच इज़ अ वेरी ह्यूज चेंज एंड अ सडन चेंज. थर्ड, द कंट्री वॉज अ बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. अब यहाँ पर जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली तो सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है पार्टीशन का. वो पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ था, रिलीजियस बेसिस पे, विच इज़ अ वेरी क्रिटिकल इशू. फोर्थ, एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. Fourth, the Britishers had left to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. पार्टीशन के जस्ट बाद में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब पहले वाले जो स्टेट्स थे, ठीक है, जो किंग्स लीड कर रहे थे, उनको ये बोल दिया गया ब्रिटिशर्स ने कि अब पार्टीशन तो हो ही चुका है, अब हम नहीं जानते कि आप इंडिया के पास में जाते हो या आप पाकिस्तान के साथ जाते हो या फिर आप अपना अकेला नेशन बनाना चाहते हो, ये आप लोग अपने आप डिसाइड करो. और ये डिसीजंस इन प्रिंसली स्टेट्स के लिए और इंडिया के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था. नेक्स्ट, लास्ट, when the constitution was being written, the makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. Aur aisi situation mein constitution banana was very difficult. Jo makers the hamare constitution ke, wo bahut tense the ki aise situation mein hum aisa constitution kaise bana sakte hain ya kaise banayenge jo ki hamare present aur hamare future dono ke liye bahut hi secured hoga. Next, अब यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, सबसे बड़ा टास्क आया था प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ मर्ज कराना इंडिया के अंदर, एक साथ मिलाना इंडिया के अंदर. और इसमें सबसे बड़ा रोल या सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है, वो प्ले किया है किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन प्रिंसली स्टेट्स के किंग को एक डील दी कि अगर आप हमारे इंडिया के साथ में आप मर्ज हो जाते हो तो हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे और साथ साथ हम आपको पेमेंट भी देंगे, आपकी रॉयल फैमिलीज़ को खर्चा करने के लिए एज अ कॉम्पनसेशन हम आपको पेमेंट भी देंगे. ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स के किंग के साथ में डिक्लेयर किया ये चीज़, और इसको नाम दिया गया प्राइवी पोसेस पॉलिसी, जिसके अंडर क्या हुआ, जितनी भी रॉयल फैमिलीज़ प्रिंसली स्टेट्स की हुआ करती थी उनको पेमेंट दिया जाएगा एज अ रिटायरमेंट पेमेंट, ठीक है, दिया जाएगा. जो भी रूलिंग पावर में गवर्नमेंट आएगी वो देगी, और ताकि आप क्या करो इसके इन रिटर्न, आप क्या करो, इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाओ, इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ. अब इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पर यहाँ पर क्या हुआ, 26th अमेंडमेंट के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में 1971 के अंदर ये जो पॉलिसी थी पेमेंट वाली पॉलिसी, इसको एबॉलिश कर दिया गया ताकि जो दूसरे सिटीजन्स हैं उनके बीच में इक्वालिटी राइट्स आए और जो गवर्नमेंट है उसका जो खर्चा है वो थोड़ा कम हो. तो इसीलिए जो प्राइवेट पर्स की पॉलिसी है इसको क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया. नेक्स्ट, द पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. आर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरन रूल. हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो एक फॉरन कंट्री के या फिर एक फॉरन रूल के अगेंस्ट ही स्ट्रगल नहीं था, ये एक स्ट्रगल था एक सोसाइटी को पॉलिटिकल सोसाइटी बनाने के लिए और एक अच्छी पॉलिटिकल सोसाइटी बनाने के लिए. अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर रूल कर रहे थे तो उन्होंने एक लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन बनाया था. इस लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे इंडियंस पहले से पार्टिसिपेट कर रहे थे. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये जो कुछ लोग थे जो कि लेजिस्लेटिव ब्रिटिश लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पर भी प्रेजेंट थे. तो इन लोगों ने ब्रिटिशर्स से जो भी कुछ अच्छा सीखा था वो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में यूज़ किया. फॉर एग्ज़ाम्पल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. हमारे बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के बहुत सारे आइडियाज़ को लेकर आए और उन्होंने बहुत सारे इन आइडियाज़ को अडॉप्ट भी किया. अब यहाँ पर ब्रिटेन जो था उससे हम लोगों ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी अडॉप्ट की है और यूएसए से बिल्स ऑफ राइट भी अडॉप्ट किया है.
तो और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोतीलाल नेहरू के कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने वहाँ से भी अडॉप्ट की हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स ने अपने उस पर नहीं बनाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने दूसरी अच्छी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की हैं, अपनी खुद की कंट्रीज से भी, हमारे खुद के जो मोतीलाल नेहरू का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे भी अडॉप्ट किया है। तो हमने सारे जो अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन थे उनके जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे उन सब को मिलाकर हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। नेक्स्ट, नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नाउ टू फॉर्म दिस कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constitution, Constituent Assembly. What was Constituent Assembly? Constituent Assembly was the assembly of elected representative which was given the responsibility to draft the document called the Constitution. Secondly, how this Constituent Assembly was formed? सबसे पहले इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस हुए जुलाई 1946 के अंदर, और इसमें जो सबसे पहली इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। तो जुलाई 1946 के जो इलेक्शंस हुए उसमें जो जो मेंबर्स इलेक्ट हो गए थे उनको उन्होंने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली मीटिंग कब हुई? दिसंबर 1946 के अंदर। और सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। एज वी ऑल नो, इंडिया और पाकिस्तान में जैसे ही जो कंट्री थी हमारी, जो पहले वाली जो कंट्री थी वो पूरी डिवाइड हो गई इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। और इस तरीके से जो हमारा पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ठीक है, उसके जो मेंबर्स थे, ठीक है, वो भी कम हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, और पार्टीशन के बाद में ये जो पाकिस्तानी मेंबर्स थे ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हट गए। Now, the Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. अब जो present मतलब division के बाद में हमारी Constituent Assembly में कितने members थे? 299, और पहले कितने थे? 389. तो ये 389 members से 299 members में conversion हुआ Constituent Assembly के अंदर after the partition. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. Now one thing which should be noted here is there is a huge difference between adoption and effect. मतलब कि हमारा जो constitution था वो बना कब? 26 November 1949 के अंदर, और उसको हम follow कब से करने लगे? 26 January 1950, which is celebrated as the Republic Day of the country of India. Now to mark this day we celebrate January 26 as the Republic Day every year. तो Republic Day किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा Constitution जो था वो हमने क्या किया था? Effect में लाए थे, हम लोगों ने follow करना start किया था हमारा Constitution, हम जो Constituent Assembly ने बनाया था। Next, why should we accept the Constitution made by the Constituent Assembly more than 50 years ago? तो आज अगर हम 2020 की बात करें तो आज का सिनेरियो और 1950 का सिनेरियो बहुत बहुत ज़्यादा अलग है। तो इस 50 साल पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्यों फॉलो करें, या हम इसको किस लिए, मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अब क्या होंगी, आउट ऑफ डेट हो चुकी होंगी, तो हम इसको क्यों फॉलो करें, अब ये क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं दे आर इन दीज पॉइंट्स। The Constituent Assembly represented the people of India and the broad consensus of its time. तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो Constituent Assembly थी वो एक elected representatives की assembly थी, जहाँ पर elections के through लोग आए थे, right? तो ये क्या कर रही थी? ये बहुत सारी जो कंट्री के लोग थे उनको रिप्रेजेंट कर रही थी, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग लैंग्वेज के लोगों को क्या कर रही थी? रिप्रेजेंट कर रही थी। It ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country, including all the languages, groups, castes, classes, religions, and occupation. Now, the manner in which Constituent Assembly worked gives sanctity to the Constitution. और जिस तरीके से majority, minority और voting के basis पर Constituent Assembly काम कर रही थी, उस तरीके से हमारा जो Constitution है, ठीक है, उसको बहुत बहुत ज़्यादा strength मिलती है। ठीक है, द मैनर द फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड अग्रीड अपॉन,
और यहाँ पर क्योंकि अलग अलग जगहों से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे तो यहाँ पर किसी एक का से नहीं था कि भाई हमें किसी एक की बात फोर्सफुली माननी है। यहाँ पर हर चीज़ जो है वो डिबेट्स और डिस्कशन के बाद बनी है और उसके बाद में अडॉप्ट की या फॉलो की गई है। देन अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। सबसे पहले ऐसे ही नहीं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, हमने क्या किया, सबसे पहले एक रफ वर्क प्रेजेंट किया और वो रफ वर्क जो था जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं, वो ड्राफ्ट जो था वो किसने बनाया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड हिज टीम। ठीक है, उन्होंने उस कमेटी के अंडर ड्राफ्टिंग जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो बनाया, उस पर डिस्कशन किया और फाइनली उसमें जो भी चेंजेस वगैरह थे वो कर करा के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, बहुत सारे डिस्कशन हुए, डिबेट्स हुए। ठीक है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था इसके अंदर बहुत सारे क्लॉज बाय क्लॉज पढ़े गए। ठीक है, सब ने पढ़ा। ठीक है, सबके स्टेप बाय स्टेप सबके पास आया वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था वो सबके पास आया और सब ने पढ़ा। उसके बाद में जो भी चेंजेस करने थे, ठीक है, उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन हुआ और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। और उस टाइम पर जिस टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर भी 2000 अमेंडमेंट चेंजेस हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए थे। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। और अगर आप डीपली जाएँ तो बहुत सारी ऐसी हमारे चीज़ें थी, ठीक है, जो कि बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशन जो थे वो हमने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेम्बर्स थे उन्होंने रिकॉर्ड भी किए हैं, उन्होंने प्रिजर्व भी किए हैं और आज तक प्रिजर्व हैं। और इनको इन जो प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और प्रिजर्व रिकॉर्ड हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। These debates provided the rationale behind every provision of the constitution. These are used to interpret the meaning of the constitution. ये जो constitution constituent assembly debates हैं इनको बहुत बार सुना जाता है, बहुत बार पढ़ा जाता है ताकि हम जो हमारा जो constitution है उसका जो actual meaning है और जो उसका interpretation है वो सही से कर सकें। Next, philosophy of the constitution. Values it inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation of India democracy. The values are embedded in the preamble of the Indian constitution. They guide all the articles of the Indian constitution. The constitution began with a short statement of its basic values. This is called the preamble of the constitution. Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with their preamble. तो मतलब हमारा जो ये constitution है, ये इतना बड़ा जो constitution है, इसकी beginning होती किससे है? Preamble से होती है। Preamble क्या है? एक introductory page होता है जो आजकल हर किसी constitution के front page पे मिलेगा आपको। ये प्रीएम्बल आपके जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है उसकी पूरी समरी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमारा जो इवन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी उसमें जितने भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, वो इस प्रीएम्बल पर मेंशन्ड होते हैं, इस फर्स्ट पेज पर मेंशन्ड होते हैं, जो कि क्या करता है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आर प्रीएम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन and this preamble is presented in the front on the front page of the constitution. This provide the complete summary of our constitution. Now let me read this preamble. Preamble, Constitution of India preamble. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist and secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of the status of opportunity and to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and in the unit and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves thus this constitution. So this is the preamble which is mentioned, which is present in the on the front page of our constitution, and it involves all the values, basic values which are mentioned all over in our constitution. Now these are some of the terms which are also mentioned in your book. We the people of India, that means we the people of India means के हम जो लोग हैं वो representatives select करेंगे। सबसे पहला,
the sovereign people have the supreme right to make the decisions on the internal as well as external matters. Socialist, wealth is generated socially, not should be shared equally by the society. Secular, citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Republic, the head of the state is an elected person and not a hereditary position, which is monarchy. Justice, citizens cannot be discriminated on the ground of caste, religion, gender, etc. Liberty, there are no unreasonable restrictions on the citizen in what they think, how they wish to express their thoughts. Equality, all the people are equal before the law. Fraternity, all of us should behave as if we are the members of the same family. No one should treat a fellow citizens as inferior. तो मतलब कि हम जो इंडिया के लोग हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करेंगे, हमारा डिसीजन सबसे ऊपर होगा. यहाँ पर जो भी राइट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो इक्वली सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होंगी. हमारी कंट्री किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियली या ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिक्लेयर करेगी. हमारी कंट्री में जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो हेरिडिट्री रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनेगी. यहाँ पर इलेक्शंस के बेसिस पर क्या होगा, गवर्नमेंट बनेगी. सारी जो कंट्री हैं, जो लोग हैं उनको कास्ट, रिलीजन, जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. सारे जो लोग हैं उनके पास में फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर थॉट होना चाहिए या होगा. इक्वालिटी, सारे जो लोग हैं, चाहे फिर वो एक हेड ऑफ द कंट्री हो या फिर एक सिटीजन हो, नॉर्मल सिटीजन हो, एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो एक कंट्री का, वो सब इस कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे हैं या इक्वल हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर. सारे जो लोग हैं, फ्रेटर्निटी, दिस मीन्स कि सारे जो लोग हैं उनका ये हक है या उनका ये राइट है कि वो डिग्निटी से हमारी कंट्री के अंदर जी सकें. नो बडी इज़ सुपीरियर और इन्फीरियर टू ईच अदर. नेक्स्ट ना, महात्मा गांधी. अगर हम बात करें कि हु आर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब हमारे ठीक है क्या हैं, और बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, ये सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ठीक है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. इनके अलावा महात्मा गांधी, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे इंडिया के अंदर और फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं बने थे. पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उनके जो ड्रीम और प्रोमिसज थे उनको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखा गया. महात्मा गांधी ने अपने जो आइडियाज़ थे ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो यंग इंडिया मैगज़ीन के अंदर 1931 में मेंशन किए थे. उनका कहना था, महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, येट देर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन. और ये जो विजन था इन्होंने कौन सी मैगजीन में डाला, यंग इंडिया ऑफ 1931 के अंदर इन्होंने एक यंग इंडिया मैगजीन को में अपने जो आइडियाज़ थे, प्रोमिसज थे, ड्रीम थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, वो इसमें सब लिखे इन्होंने. और इस मैंने आपको जैसे बताया कि इन आइडियाज़ को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने फॉलो भी किया, फॉलो करने की कोशिश की. और इस तरीके से महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर ना होते हुए भी मेंबर थे. नेक्स्ट, बट यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उनका महात्मा गांधी से बहुत ही अलग व्यू था. ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन. इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंग्जाइटी वेरी क्लियरली. ऑन 26th ऑफ जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. इन्होंने एक स्पीच में ये चीज़ क्लियरली मेंशन की थी कि महात्मा गांधी का जो प्रोमिसज या ड्रीम थे वो और मेरे व्यूज़ बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं. उन्होंने ये चीज़ भी डिक्लेयर की कि 26 जनवरी 1950 से हम एक कॉन्ट्रडिक्शन वाली लाइफ में एंटर हो जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर इन पॉलिटिक्स वी ऑल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी. इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम लोग 26 जनवरी 1950 से पॉलिटिकली तो ये मानेंगे कि सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, पर जब एक्चुअल में सोशल और इकोनॉमिक लाइफ की बात आएगी तो वी ऑल विल बी अनइक्वल ओवर देयर. पॉलिटिक्स में हम लोग जो हैं वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू को अडॉप्ट करेंगे. पॉलिटिकली हमने ये अडॉप्ट कर लिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, हमने ये अडॉप्ट कर लिया, पर एक्चुअल में सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के अंदर हम लोगों को ये चीज़ फॉलो करना, वन मैन वन वोट वन वैल्यू,
ये चीज़ फॉलो करना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। और अगर हमने ये चीज़ नहीं फॉलो की, ये इक्वालिटी नहीं फॉलो की हमने, या हमने इस इक्वालिटी को फॉलो करने से मना कर दिया, तो देर विल बी अ बिग बिग क्वेश्चन ऑन द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ आर कंट्री, दैट इज़ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम फॉलो करते हैं, इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइनली जवाहरलाल नेहरू गेव हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन ऑगस्ट 15, 1947 इन हिज स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। नाउ इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने पूरे हमारा कैसा पॉलिटिक्स होना चाहिए, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, उसको पूरा डिज़ाइन किया है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेनली इट इज़ एम्बॉडिंग द वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, एज आई टोल्ड यू इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि एक पेज का डॉक्यूमेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बल्की है, बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके अंदर। और बहुत बार वो हर बार क्या होता है, हमारे जो पिछले 50 से 70 साल से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हुआ है, बहुत बार अमेंड हुआ है, बहुत बार चेंज हुआ है, और रेगुलरली अपडेट और चेंज किया जाता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन्होंने बनाया था उन्होंने पीपल के एस्पिरेशन और ये जो सोसाइटी में चेंज आता रहेगा इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। दे डिड नॉट सी इट एज अ सेक्रेट स्टैटिक और अनऑल्टरेबल लॉ, इन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि भैया ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हमने जो बना दिया, नहीं, उन्होंने ये सोचा था कि हाँ सिचुएशंस के हिसाब से इन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज की जानी चाहिए और की जाएंगी आगे। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी थी हमारे जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने, सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसीलिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए जिसके थ्रू ये चेंजेस आ सके। दीज चेंजेस वर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और इन चेंजेस को हम लोग क्या बुलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज, जितना भी हमारा सब कुछ इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकली जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही लीगल लैंग्वेज में डिक्लेयर कर रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, हमारे यहाँ पर इलेक्शंस के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रोसीजर और बहुत ही डिटेल में वो प्रोसीजर टेक्निकली लीगली बहुत ही अच्छे से वो प्रोसीजर मेंशन है। इट डिफाइंस हु विल हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन, और इसके अंदर ये भी बता रखा है कि किसके पास में कितनी पावर है क्या डिसीजन लेने की। इट पुट्स द लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, और सबके ऊपर चेक रखने के लिए कुछ पावर्स ऐसी हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को दे रखी हैं ताकि इनके जो राइट्स हैं या इनके जो व्यूज़ हैं, ठीक है, उनको कोई वायलेट ना कर सके। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है, मेरे एक पेपर नहीं है, ठीक है, मेरे लिए एक सिंगल पेज नहीं है, बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया जाता है। हर चीज़ को फॉलो करने का एक हमारे यहाँ पर प्रोसीजर है, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट जो बन चुकी है वो किस तरीके से रूल करेगी, चाहे फिर वो सिटीजन्स हों कि वो किस तरीके से काम करेंगे या किस तरीके से अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर ओवर हियर। योर वर्कशीट्स एंड रिस्पेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स वुड बी गिवन टू यू। And thank you.